नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले बात करेंगे जुलाई माह में जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसमें 2 जुलाई को बुध मिथुन राशि में, 12 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे मकर राशि में, 13 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं 16 जुलाई को रवि कर्क राशि में, 16 जुलाई को ही बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 31 जुलाई को बुध तीसरी बार प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। तो ग्रहों का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या शुभ फल देगा, क्या अशुभ फल देगा, क्या सावधानियां रखनी है और कौन सा ऐसा उपाय करना है जिसके कारण आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि मंगल स्वामी है वृश्चिक राशि का और मंगल छठवें भाव में बैठा है मेष राशि में, निश्चित मानकर चले शत्रु पराजित होंगे, दुश्मन परास्त होंगे, विजय दिलाएंगे। वहीं राहु भी छठवें भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, यहाँ पर अंगार योग जरूर बना रहे हैं, लेकिन यह गुस्सा भी आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब प्यार से बात ना बने तो फिर लठ तो उठाना ही पड़ता है, स्वाभाविक है। ऐसी स्थितियों में राहु आपका साथ देंगे, युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, संघर्ष जरूर होगा लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी राहु और मंगल के साथ की वजह से। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, स्वयं की राशि मीन राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छा सुयोग है, नए आयाम स्थापित करेंगे, नवीन कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा और जो शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सफलताएं प्राप्त होंगी, साथ में प्रणय संबंध मजबूत होंगे, मधुर होंगे और संतान की ओर से खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान की तरक्की होगी, पद हो, संतान को अच्छा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, कामयाबी मिलेगी और सफलता मिलेगी। वहीं शनि तीसरे भाव में थोड़ा सा परिवार में या कुटुंब में, परिवार नहीं बोलना है, कुटुंब मतलब खानदान में थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं, छोटे भाइयों की वजह से आपको परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, आपके मार्गों में वो अड़चन डाल सकते हैं। वहीं पर रवि बुध चूँकि आठवें भाव में योग बनाए, वैसे बुध अतिथि योग बहुत शुभ है लेकिन आठवें भाव में होने के कारण कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई देता। केतु बारहवें भाव में विराजमान है, अब ऐसी स्थितियों में धर्म कर्म करने का अवसर प्राप्त होगा, धार्मिक भावनाएं उमड़ेंगी, घर परिवार में कोई पूजा पाठ या ऐसा कुछ धार्मिक कृत्य या कार्य करने का मौका आएगा, अवसर आएंगे और ऐसे कार्य आप करेंगे। शुक्र सातवें भाव में बैठे हैं, सातवें भाव में होने के कारण कुछ स्त्रियों के लिए तो ठीक है लेकिन पुरुषों के लिए यह खराब है, पत्नी से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अपनी वाणी को विराम और संयम रखने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में झगड़ा फसाद ना करें क्योंकि शुक्र जो है वैसे भी पत्नी से झगड़ा करने में खराब हो जाता है। पत्नी को अपनी जितना खुश रखेंगे वृश्चिक राशि के जातक उतना ही कल्याण होगा उनका, उतना ही लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।